हाँ मैं यहाँ आई हूँ, हमारा एक टाइप है, हम मेरी फिल्म नीजा आ रही है 19 फरवरी को और तमन्ना जो है वो 1 फरवरी को इल स्टार्ट एयरिंग। तो जो ये एक दोनों जो कहानियाँ हैं, इट्स अबाउट यंग गर्ल्स हु आर फॉलोइंग देयर ड्रीम्स एंड बहुत दोनों में आत्मविश्वास था, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो कनेक्शन बहुत खूबसूरत है एंड आई होप कि ऐसी कहानियाँ और बने फिल्मों में भी और टेलीविजन पे भी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट स्टार इज़ डूइंग समथिंग लाइक दिस और फॉक्स स्टार इज़ ऑल्सो डूइंग नीजा। तो द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट गन्स फॉर कॉन्टेंट इन ऑल इन ऑल। अच्छा, एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है स्पोर्ट्समैनशिप में जाना, वो भी क्रिकेट जैसे शो में जहाँ पर हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स को पूजा जाता है उस लड़की के लिए, तो ऐसी कहानी एक रियल लाइफ क्रिकेटर ने भी आपके साथ ही प्रोमो थोड़ी देर पहले ही शूट किया, तो ऐसी कहानियों को कैसे मतलब कैसे देखती हैं आप लड़कियों की जो कहानी? आई थिंक हमारे जो हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम है ये है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती नहीं है स्पोर्ट्स में, और अगर मिलती है तो इट्स मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से वो कुछ कर पाते हैं। पर अगर ऐसी कहानियाँ बनेगी, क्योंकि सिनेमा ही एक चीज़ है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है बिकॉज इतना रीच उनका ज़्यादा है, तो टेलीविज़न का रीच तो सिनेमा से भी ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कहानियाँ टेलीविज़न पे आएगी तो जो लड़कियाँ हैं दे विल गेट इंस्पायर टू जॉइन स्पोर्ट्स, और लोग भी इंस्पायर होंगे कि यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट इन गर्ल्स, वी ऑल नो गर्ल्स आर द मोस्ट टैलेंटेड, बट आई थिंक अगर ये लोग इंस्पायर हो जाएंगे टू बिल्ड यू नो हैव वर्कशॉप्स या क्लासेस या कोचेस विल आल्सो गेट इंस्पायर्ड। अभी आई थिंक एक साला खड़ूस करके एक फिल्म आ रही है, आई थिंक दो दिन में, राइट? दो दिन में, हाँ 20, हाँ दो दिन में रिलीज़ होने वाली है। एंड अगेन इट टॉक्स अबाउट अ वुमेन डूइंग अ स्पॉट, मैरी कॉम वॉज सच। तो ये तो फिल्मों में है, मगर टेलीविजन की रीच इतनी लंबी है दैट आई फील, और इतनी वाइड है कि आई फील कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरी बात है ऑब्वियसली कि क्रिकेट में, एंड क्रिकेट आई मीन मैं हर इंटरव्यू में ये बोल रही हूँ कि हमारे तीन रिलीजन है कंट्री में, क्रिकेट है, फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स है। तो वी शुड ट्राई एंड डू वॉट एवर वी कैन विद इट। अगर आप एक्टर ना, अगर स्पोर्ट्स में अगर बात करो तो किस प्ले को आप खेलना चाहते हैं, किस मैच को या स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट को, बास्केटबॉल, लंबी होना तो ऐसे ही करना बस। नो आई डोंट थिंक कि अगर आप ड्रीम करते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट कभी होनी नहीं चाहिए। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना कॉलेज ख़त्म नहीं किया, माय ड्रीम इज़ टू गो टू यूनिवर्सिटी, और आई डोंट थिंक माय ड्रीम कैन स्टिल गेट फुलफिल्ड। हाँ जी, मिर्जा की अगर हम बात करें, हाँ जी, 359 लोगों की जान बचाई थी, तो वो आपकी फिल्म आ रही है, हाँ जी, उसका कैरेक्टर आप करें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीजा जो थी उसमें मैं क्या बोलूँ, नीजा इज़ समबड़ी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी, पर एट द सेम टाइम वो एक बहुत ऑर्डिनरी मामूली सी लड़की थी जिसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसे सही और गलत में अंतर पता था, और वो चाहती थी कि वो अपने लाइफ के साथ कुछ करे, और शी वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड। और जब उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने साहस को दिखाने के लिए, जहाँ आपने कहा उसने 359 लोगों की जान बचाई, शी डिड इट। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की, शी डिड व्हाट वाज राइट, और उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाया। एंड आई थिंक ऐसे जो लड़कियाँ हैं वो लोगों को इंस्पायर करेगी, नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज़, कि आप इवन इफ़ यू आर ऑर्डिनरी, अगर आप if you want to do something extraordinary, all you need to do is to do the right thing. हमने आपकी लास्ट फिल्म देखी, सुपर डुपर हिट जी, मिर्जा से क्या तमन्ना रखती है सोनम कपूर? तमन्ना इज अ वेरी गुड वर्ड, हाँ, इनकी शो आ रही है तमन्ना, मेरी भी तमन्ना है। मेरी तमन्ना है कि 19 फरवरी को आप सब जाए आप सिनेमा हॉल में,
और मेरी फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म जो है वो मेरी फिल्म नहीं है, सबकी फिल्म है. राम माधवानी ने बहुत खूबसूरत ऑनेस्ट फिल्म बनाई है और सच्चे दिल से बनाई है, क्योंकि इस लड़की की कहानी आपको इंस्पायर करेगी एंड इट विल वांट यू टू बी अ बेटर पर्सन. थैंक यू. एक मिनट.